मेरी सिविल सर्विसेज बिल्कुल एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है कि फ्यूचर में जो करने का सोचा है वो करने का मौका मिलेगा। मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि जो करने का सोचा था वो आगे करने का मौका मिलेगा। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, थर्ड मेंस सेकेंड इंटरव्यू। आप इसके लिए आपका जो मोरल बूस्ट किया, कैसे हुआ, कुछ एक्सपीरियंस आपके जब चाइल्डहुड से आपने ऐसा गोल सेट अप किया आपने? बचपन में मेरे फादर ने मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली थी और जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे ज्यादा आपको लोकल न्यूज़ में दिखता है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ये काम किया, एसपी ने ये काम किया। तो मेरा मेन मोटिवेशन वहां से आया। फिर जब हम बड़े होते गए और आपको चीजें दिखती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो आप मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने। वो मेरा मोटिवेशन था। थैंकफुली मेरे पास सपोर्ट सिस्टम भी है, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी एक्सटेंडेड मैटरनल फैमिली, मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स। इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के साथ आई थिंक कि मुझे करना चाहिए था और किया। मेरी स्कूलिंग फातिमा स्कूल गोंडा से है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स। कौन सी प्रॉब्लम आपको लग रही है जो आप ऐड आइए सॉल्व करना चाहोगे? बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और वो डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग कहाँ पे होती है और बाकी ट्रेनिंग कैसे होती है। पर एज अ सिटीजन अभी तक जो मेरी मेरी आंखों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेसिक एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना, पर्टिकुलरली विमेन एजुकेशन एंड विमेन हेल्थ पे काम करना। प्रिपरेशन के लिए 1 साल हम दिल्ली में थे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प मिलती है, आप मॉक्स देते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, तो बहुत सारे का योगदान है। बट ओवरऑल सेल्फ प्रिपरेशन ही होती है, एटलीस्ट मेरी जर्नी में सेल्फ प्रिपरेशन रही है। उसके बाद कोविड आ गया तो हम 2 साल से घर पे ही थे और उसके बाद फिर मास्टर्स करने के लिए अभी हम फिर से दिल्ली में ही थे। तो दिल्ली गोंडा ऐसा रहा, पर मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही रही है। तो डर लगता है, नर्वसनेस होती है, रिजल्ट आने के बाद भी रहा तो नर्वसनेस तो है ही है। ऐसे में जो आपके जूनियर्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं वो भी फेलियर फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए, प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सर मेरा ऐसा मानना है कि आप कितनी भी कोचिंग कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको करनी सेल्फ स्टडी ही है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपको किसी भी लेवल पे हेल्प कर सकती है तो वहां से हेल्प लीजिए। जैसे मेरे लिए कोचिंग के कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे करेंट अफेयर्स के, और मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब पे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, पर एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी होती है। मेरी सिस्टर है, उसने आई थिंक शी वाज द बिगेस्ट सपोर्टर मेरी पूरी जर्नी में, और सारे मेरे एटलीस्ट इस बार के तो मेरे सारे PDF उसने ही खोल के नाम चेक किया है, तो शी इज माय लकी चार्म। आपकी मदर भी टीचर रही हैं जी, और फिर स्कूल में जब तक स्टडी भी कराते थे पढ़ाती है, तो वहां से आपको धन्यवाद दिया कि वहां से भी कुछ आपको मिला होगा। अगर आपके पेरेंट्स टीचर्स हैं, कोई भी पेरेंट, तो ट्रस्ट मी आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होंगे, आपको पता होगा। तो मेरी मदर का वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, ये सब वैल्यूज बहुत बचपन से ही बिल्डअप हुई, और एक फोकस ऑन एजुकेशन, बाकी सब चीज़ों को पीछे रखो, एजुकेशन को सबसे आगे रखो, वो मेरी मदर ने एक वैल्यू इंस्टॉल की मेरे अंदर। सबको डांट पड़ती है, रोज डांट पड़ती है, अभी 5 मिनट पहले डांट पड़ी है। पढ़ाई के लिए फॉर्चुनेटली नहीं पड़ी,
जी तो उन्होंने कभी आपके स्कूल में पाठ्यक्रम में गई हुई थी और उन्होंने आपने एक जीडीपी पर था यू आर एट एज ऑफ 8 ऑलमोस्ट तो उन्होंने कहा था आप जीडीपी पे इतना अच्छा कुछ बोली थी तो उन्होंने कहा था आप गवर्नमेंट बनेगी आपके फादर से ये बात उन्होंने कही थी वो आज बात एक आप एक हाईएस्ट के रूप में चयनित हुआ तो कितना आपको लगता है कि एक डीएम ने हाईएस्ट लेवल के अधिकारी ने पहले आपके लिए बात की थी आज वो खरी खरी हो गई पापा ने बोला है मोस्ट लाइकली उन्हें याद हो पर पर्सनली हमें याद अभी जैसे हमने आपको बताया कि मेरा बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली आईएएस तो हमने अपने आप से ये वादा किया था कि एटलीस्ट 2 मेंस लिखने तक हम किसी भी और एग्जाम में या कोई भी और आगे की स्टडीज में नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा हमें लगता था कि हम साथ में 2-3 चीजें नहीं कर सकते हैं 2 मेंस के बाद जब मेरा 3rd मेंस रहा ये वाला उसके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया पर अभी हमने कोई भी और एग्जाम नहीं दिया जवाब नहीं था कि भी बहुत सारे सवाल थे फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था अकाउंटेंसी का जिसको हमने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है हमें नहीं पता याद नहीं था तो आई सेड सॉरी और एक्साइटिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए पर्टिकुलरली एक सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आते हैं और वहाँ के एसपी के साथ पिछले डीएम की बहुत अच्छी तालमेल नहीं थी तो आप कैसे आइस ब्रेक करेंगे तो आई थिंक कि वहाँ पे जो जवाब दिया और उसके साथ और भी बहुत से सवाल थे वहाँ थोड़ा अच्छा हुआ चैलेंजेस तो आपको एवरीडे मिलते हैं थैंकफुली मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब बहुत अच्छा था पेरेंटल सपोर्ट फ्रेंड्स का सपोर्ट ये सब कुछ बहुत अच्छा था पर एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न्ड आपको एवरीडे जब आप मॉक्स देते हैं तो आपके कम मार्क्स आते हैं किसी ना किसी स्टेज पे आकर आप फेल हो जाते हैं मेरा ये 4th अटेम्प्ट था इसके पहले हम हर स्टेप पे एक बार फेल हो चुके हैं एक प्रीलिम्स पे एक मेंस पे एक इंटरव्यू पे तो मुश्किल होती है आपको बहुत डर लगता है वापस से उसी एग्जामिनेशन हॉल में जाने में पर ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो तो सब हो जाता है रिजल्ट आने के 5 मिनट पहले तक आपको यही लगता है कि 4 दिन के बाद फिर से प्रीलिम्स देना है तो डर लगता है नर्वसनेस होती है रिजल्ट आने के बाद भी रहा तो नर्वसनेस तो है ही मैसेज सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से बहुत ज़्यादा कोई सजेशंस नहीं है मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए प्लीज़ फेलियर से मत डरिए आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी